क्या बात है, वाह 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 वाह। तो सोनू निगम जी हमारे बीच आ चुके हैं सर, इन आवाजों को सुनकर कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्ते आप सभी को, मुझे स्वागत अपने ऐसे किया था कि वही मैं शुरू क्या बोलूँ, मैं तो सुनता ही आ रहा हूँ, बहुत बहुत सारी आवाज़ों को सुनता हूँ, इनका गाड़ी में भी एक आवाज़ को सुनते आ रहा हूँ मैं। सो अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनने को मुझे मौका मिलता है, एंड ऑब्वियसली भगवान ने इसी वजह से मुझे पैदा किया, शायद कि मैं नई नई आवाज़ों को सुनूँ। मैं जब नया आया था तभी से मैं नई नई आवाज़ों को के साथ में जुड़ा रहा हूँ हमेशा। सो अभी तक यही प्रक्रिया चल रही है और मैं खुश हूँ उस बात से। ग्रेट, तो बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस का ये सीजन 6 है। मैं आपको बता दूं कि 5 कमाल के सीजन के बाद इस छठे सीजन को जज कर रहे हैं हमारे अपने हम सबके प्यारे जो हमारे दिलों में रहते हैं सोनू निगम जी। एक बार जम के तालियां हो जाए सोनू सर के लिए। देश भर से अलग अलग आवाजें यहां तक पहुंच रही है। 16th दिसंबर वो आखिरी तारीख है जब जो टैलेंट है वो अपने गाने को हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे जरिए हैं जिसमें से एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप देश में पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी हो फेसबुक पर जाइए 927 बिग एफएम, ये हमारा फेसबुक का पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज। वहां पर आपको एक टैब दिखेगा बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 का, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपनी ऑडियो क्लिप अपलोड कीजिए और बस फिर सोनू सर जज करेंगे और ये सीजन आगे बढ़ेगा। क्या एक्सपेक्टेशन है सर, क्या लगता है इस बार के सीजन में क्या कमाल होने वाला है? रेडियो में होने वाला अमेरिका से एकमात्र एब्सोल्युटली कॉन्टेस्ट है जी, और इसकी पहली दफा इसका मैं हिस्सा बन रहा हूँ जी जी जी। हालांकि मैं बिग एफएम से हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, शुरुआत से ही उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका हूँ। बिल्कुल, इसकी जब इनिशिएशन हुई थी बिग एफएम की तभी से मैं इसके शुरुआत से जुड़ा हूँ। तो अच्छी बात है, मैं देखूँगा कि मेरे ख्याल से हर जनरेशन में जो इंसान इवॉल्व होता है एवोल्यूशन के हिसाब से इंसान तरक्की करता है क्योंकि उसके पास में रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट थे रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, मंदारी साहब, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, फिर गजल गायकों में से कितने लोग थे जिनको सुने, क्लासिकल में हमने सुना, तो हमने एक तरफ म्यूजिक को समझा और आगे तक लेकर आया। फिर हमको सुन सुन के बहुत लोग और आगे आए हैं जो उनको और सुनने को मिलता है, मौका मिलता है। सो सबका इंटरप्रिटेशन बदलता रहता है ना। और मैं ये नहीं मानता कि कोई भी जनरेशन किसी से बेटर है, ये भी मानता हूँ कि पुराने बेटर हैं या नए बेटर हैं, अच्छा बुरा हर जनरेशन में होता है। और मेरे ख्याल से ये कहना भगवान के प्रति ये एक उनका उपहास होगा कि हम कहें कि तुमने एक बार तो अच्छे बना दिए, अब अच्छे बनाते नहीं हो, या तुमने अभी अच्छे बनाए पहले अच्छे नहीं बनाए, ये भी बात रहोगे। तो अच्छे बुरे हर दौर में होते हैं और अच्छों को चुनना अच्छे लोगों का काम है। क्या बात है, तो हम अच्छे लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे को चुनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेलीविजन पर तो आपने मतलब बेशुमार टैलेंट को जज किया हुआ है, लेकिन ये रेडियो पर जज करने का अनुभव कुछ अलग होने वाला है, कुछ हटके होने वाला? जी मैं अभी तो सिर्फ मैंने आपके लिए वो जो क्या बोलते हो सर वॉइस नोट्स जो क्या बोलते हैं प्रोमोज रिकॉर्ड किए हैं अभी। हाँ। तो अभी तो असली गेम बाकी है, असली खेल शुरू होगा। हाँ, तो पूरे खेल तो अभी मुझे देखना है, इसका मजा लेना है। ये आप कुछ अंत में पूछिएगा कि कैसा कैसा रहा, बिल्कुल कैसा रहा। चलिए ठीक है, मैं हमारे दोस्त जितने भी मीडिया से आए हुए हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सोनू सर से। एनीवन टेबल लगा दो। जी 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 टेबल लगा दीजिए। और जब तक की टेबल यहां पर आ रहा है, मैं जानता हूं कि आप सब और आप सबसे ज्यादा मैं एक गाना सुना दीजिए जब तक टेबल आ रही है, माहौल बन जाएगा बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 का। सर वो तो आजकल के जो गाने हैं, आपने पूरे टेबल की बात तो मुझे मैं टेबल पे सुना तो गाने आजकल क्या हो गया कि किसी भी गाने को किसी भी लफ्ज को रिपीट करो ना तो गाना हिट हो जाता है। वो
तो टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल 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 पे माइक पड़े हैं, टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल 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 बस आधे वर्ड रिपीट कर लिए, पीछे वाला वर्ड रिपीट कर लिए और टेबल पे माइक पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है रेडियो से मेरा संबंध काफी समय से रहा है, जब से रेडियो की रेवोल्यूशन शुरू हुई है हिंदुस्तान में, उसके पहले रेडियो था नहीं इतना, और तब लोग सीडीज़ खरीदते थे, सिर्फ कैसेट्स खरीदते थे, रेडियो आ गया तो रेडियो की वजह से सीडीज़ कैसेट्स की सेल ख़त्म हो गई है, पर उसमें जुड़ा रहा हूँ मैंने, इसके पहले भी रेडियो में काम कर रखा है, ये एक अलग एक्सपीरियंस है, इसमें मुझे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, शक्ल से इंसान इम्प्रेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो से इम्प्रेस होगा, तो ये अपने आप में एक अलग अनुभव होना चाहिए। एक बात तो है कि इसमें ड्रामा नहीं होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर सही मायने में सही कलाकार को परखना है तो उसके ड्रामे से दूर बचना पड़ेगा, वो क्या ड्रामा कर रहा है, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मेरी माँ बीमार है या मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी आँख फूटी हुई है, या मैं मरने वाला हूँ, या मेरे को छोड़ के भाग गई है, या मतलब जो भी, ये चीज़ें अलग हैं, क्योंकि देखिए कहानी हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कहानी आपसे ज़्यादा अच्छी है, आपकी भी कहानी होगी, उस कहानी को अगर मैं सुनूंगा तत्परता से तो शायद मुझे आपकी कहानी में मर्म समझ में आएगा कि यार इस आदमी ने ज़िंदगी क्या जी होगी, तो हर इंसान की कहानी में कहानी अलग चीज़ है, टैलेंट अलग चीज़ है, तो मेरा ये मानना है कि जब आप टैलेंट को जज करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो लेखन हो, आपको उस टैलेंट पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि उसके बैकग्राउंड पर या उसकी कहानी पर, क्योंकि नाटक बहुत लोग कर सकते हैं, अपने आप को उनको मालूम पड़ गया कि आजकल अगर थोड़ा सा अपनी कहानी बना दो तो लोग थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट साथ लास्ट तक साथ में रहता है, आप चाहे कैमरा पर्सन हों, चाहे आप फोटोग्राफी करते हों, चाहे आप एडिटिंग करते हों, आप कितना भी मार्केटिंग कर लें, कितना भी ड्रामा कर लें, अंत में आपका साथ टैलेंट देगा सिर्फ, तो ये जो हम जिस तरीके से अब जज कर रहे हैं ये एक बिना किसी मैनिपुलेशन के खालिस आवाज़ को जज करने वाली बात है। मीन सर ये बोल सकते हैं कि अभी जो रिसेंट डेज में रियलिटी शोज में ड्रामे हो रहे हैं, इस तरह के जो वाक्य आ रहे हैं, हाँ अच्छे भी हो रहे हैं, अच्छी भी बातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ड्रामे होते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी अच्छी बात जावेद अख्तर साहब बोलते हैं, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, और जावेद साहब इसको और ज़्यादा मुझसे बोलते हैं, कि कभी भी क्रिएटिविटी के साथ में मार्केटिंग की टीम को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मार्केटिंग का काम होता है मार्केटिंग करे जो क्रिएटिव चीज़ आई है, जब मार्केटिंग टीम बताती है कि क्रिएटिविटी कैसे की जाती है तो समझो कि वो प्रोडक्ट जो है वो मटमैला है, पोल्यूटेड है, तो जब आप कोई टेलीविजन शो बनाते हैं तो अगर आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, क्रिएटिव टीम को अलग रखें, मार्केटिंग टीम ये ना बताए कि अरे यू नो व्हाट आई थिंक यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, एंड यू नो पीपल आर गेटिंग टीआरपी, यू नो व्हाट यू डू दैट एंड दिस एंड दैट एंड दिस, उसमें फिर आपकी क्रिएटिविटी जाती है, फिर आपको जो नौसिखिए लोग हैं जिनको पता नहीं है, मान लीजिए जैसे मैं कैमरा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आपको पता है ये कैमरा कैसे चलाना है, ये आपकी स्टडी है, आपने इस पर ज़िंदगी बिताई है, आप इस पर काम रोज़ इसको आप पकड़, अब मैं बताऊँ आपके नहीं सर ये एंगल को थोड़ा ऐसे कर दो, हाँ ये बटन रॉन्ग, ये रॉन्ग बटन दबा रहे हो अपना, इसको नहीं इसको ऐसे, आपको क्या लगेगा कि यार ये हमारा काम, ये हम इसको ज़िंदगी में जीते हैं, हम इसके इसे रोटी कमाते हैं, हमने इस पर स्टडी करी, हमारा परिवार इसे चलता है, और ये कल का आदमी जिसको उसको कैमरा उठाना नहीं आता, ये हमको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हमको, पर क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ तो मैं बोलूँगा कि आपको कैमरा कैसे उठाना है कि हम आपको बताएंगे, तो ये फ़र्क हो जाता है कि जब मार्केटिंग और क्रिएटिव लोगों को नहीं बोलना चाहिए कभी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, ये भी बात है, जो जिसका एक्सपर्टीज़ है वो वैसे बोले, तो मैंने देखा है कि टेलीविजन शोज़ में होती है मैनिपुलेशन होती है। So, mentor भी है, judge भी है, किस तरह के contestants की आप
कुछ ऐसे कोई मैंने सोचा नहीं है, कोई कोई धारणा लेकर नहीं आया हूँ मैं। जो भी है जैसा अच्छा हो, जो दिल को छुएगी आवाज़, जो अच्छी जो जो सिंसेरिटी दिखाई देगी उसी को चुनेंगे। जो उसे हाँ हाँ होते हैं तो क्या आप इशारा रैप की तरफ करते हैं? नहीं नहीं, रैप में तो बोला गाना बोला जाता है। गाने की ट्यून्स जो जिससे हम आजकल हुक लाइन कहते हैं, हुक लाइन रिपीट करके बनाती है, बनाई जाती है। नीली शर्ट वाली लड़की, नीली शर्ट वाली लड़की, हाय नीली शर्ट वाली लड़की, नीली शर्ट वाली लड़की, तो गाना बन गया। नहीं नहीं, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को। मेरे हिसाब से आप अपना ईगो दिखा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। देखिए, जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि जो बादशाह है या रफ्तार है वो बेकार है और हम बड़े अच्छे हैं? ऐसा नहीं कह सकते। उनकी अपनी स्टडी है यार, वो अपना कुछ कर रहे हैं, वो नया लेकर आए हैं, उनका स्टाइल है, उनके म्यूज़िक स्टाइल है, वो अपनी रिदम से कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, दिस इज़ देयर थिंग, यू डू योर थिंग प्रॉपरली। मैं मेरा काम पर ध्यान दूँ, मैं किसी और के काम की बुराई नहीं करूँ, मेरा ये मानना है। काफ़ी क्या हो रहे हैं, क्या बात है, शाबाश। क्या है कि इसमें लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट, जेन्युइनली इसमें कोई किसी की बुराई करने की बात नहीं है। ये बात तो पक्की है कि जब कोई गाना किसी गाने को रिहैश करके बनाया जाता है, पुराने गाने को, तो उसकी रिकॉल वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते। एक नए गाने की बनस्पत एक पुराना गाना जब बनाया जाता है तो उसकी रिकॉल वैल्यू, अरे हाँ ये तो वैसा गाना है यार, वो गाना है, एक वो आता है। उससे कुछ लोगों को पसंद आता है और कुछ लोग को लगता है कि यार मेरा पुराने का मजाक किरकिरा कर दिया तुम लोगों ने। जैसे जब मेरा गाना दीवाना तेरा, इस गाने को जब रिहैश किया गया था तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इसको, क्योंकि उनके दिलों में मेरा गाना बैठा हुआ है। वो लगता है उनको ये सोनू निगम का गाना है। फिर किस कदर प्यार है मुझे हम सफ़र, इस गाने को भी कोशिश की गई कि दीवाना एल्बम को तोड़ के सोनू निगम से हटा के हम अपना कर लें, नहीं हो पाया। कुछ गाने लोगों के सिस्टम में बसे होते हैं, कल होना हो जैसे है, अब ये कल होना हो गाना मेरे साथ जुड़ गया है वो गाना, अब आप इसको तोड़ के बनाएंगे तो फिर शायद चल भी जाए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं, अब रफ़ी साहब के कुछ गाने हैं जो हमको इतने अच्छे लगते हैं कि हम कभी उनको छेड़ेंगे नहीं। मैंने वर्जन गा रखा है, जब हम नए थे, जब हम नए नए थे तो वर्जन गाया रखा था। फिर मैंने गुलाबी आके गाया, अभी वो भी हमने ट्रिब्यूट देकर गाया है, रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देके। ये मेरा गाना बोल के नहीं गाया था मैं, जट यमला पकड़, मेरा गाना बोल के नहीं गाया था, ये रफ़ी साहब का ही गाना है। हमने उस रफ़ी साहब जिंदा नहीं है तो हमने गा दिया, ये सोच के किया। इट इज़ नॉट लाइक आई हैव स्नैच्ड, अब ये गाना मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छे गाने भी हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे गाने बनते हैं, बनते हैं। और फिर क्या है कि हम लोग सब सोसाइटी को जानते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग पार्टीज़ में गाने चलाते हैं, है ना, या सोशल गैदरिंग में कहीं दारू पी रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है ना, दारू पी गाने बजा रहे हैं, है ना, तो वो भी एक चक्कर है, उसकी वजह से गाने वैसे बनते हैं। बट या म्यूज़िक कंपोजर्स को छूट नहीं है मेरे ख्याल से, लिरिक्स राइटर को छूट नहीं है, किससे गवाना है ये भी छूट नहीं है, कौन गाना बनाएगा ये भी छूट नहीं है इतना। तो ये एक थोड़ा माहौल बदला हुआ है, बट यू नो वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज एंड वर्क थिंग्स अराउंड अस। सो मैं थोड़ा पॉजिटिव किस्म का आदमी हूँ, ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ऐसी बात। सर, अगर सिंगर की बात करें, इससे थोड़ा हटके मुन्ना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे सब सिंगर पहुँच, अरे मुझे इतना दुख हुआ, जिनकी मिल्का पत्थर साबित हुए गाना जो हिट हुए हैं, उनकी फिल्में हिट हुई हैं, उनको आज पहचाना जाता है एक सिंगर की वजह से, वो लोग भी वहाँ पे नहीं पहुँचे, गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे मुन्ना जी। जी हाँ, मैं मुन्ना अजीज साहब, आपने मेरी वीडियो देखा था जो मैंने वीडियो डाल देखा था आपने? नहीं देखा। मैं बहुत रोया उस दिन, बहुत रोया था। और अब किसी ने क्यों नहीं ट्वीट किया, किसी ने क्यों नहीं फेसबुक पे लिखा, कोई उनके उसमें क्यों नहीं आया, मेरा तो शो था मैं नहीं आया, पर क्योंकि मैं घर पे गया था उसी रात को, मैं घर पे गया, उनकी वाइफ से मिला, उनकी बेटी से मिला, बहुत रोए हम लोग मिलके सब।
لیکن جو نہیں آئے اب میں کیا بول سکتا ہوں جی اس کی، ان کی مرضی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں کہنے کی، تم نے ٹویٹ نہیں کیا، تم نے، ان کی مرضی ہے، انہوں نے نہیں کیا، بٹ میرے حساب سے محمد عزیز صاحب میرے گرو تھے اور میں آلریڈی ان کے لیے ٹریبیوٹ کے شو کا ایک کام کر رہا ہوں آلریڈی۔ ہمیں بالی ووڈ میں یاد نہیں کیا جاتا، 100 سال جب انڈسٹری کے پورے ہیں تو مجھے خود انٹرویو میں بولا تھا کہ بیٹا ہمیں بھول گئے، بڑی بڑی فلمیں بنی ہیں، ہمیں کوئی یاد نہیں کرتا، نوٹس سے انوائٹ بھی نہیں آتا ہے۔ یہ بات تو ہے، اور مجھے سنگر کا کتنا یوگدان ہوتا ہے بالی ووڈ میں، اگر بات کہانی ہے پتہ نہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں خود سنگر ہوں، میں اپنی بڑائی تو نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ہر انسان کا یوگدان ہوتا ہے، اور ہم سنگرز کو ڈھونڈ رہے ہیں آج، جو ہمارا بگ ایف ایم کے تھرو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ سنگر کی کوئی ویلیو ہوگی تبھی ڈھونڈ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس حساب سے وی ہیو ٹو جسٹ سے کہ ان کے ساتھ میں جو نہیں ہوا، جو ہوا، یہ اس بارے میں ہم کبھی اور بات کریں گے، کیونکہ آج ہم ایک اس میں ہیں، بٹ ہاں محمد عزیز صاحب کا جانا ہمارے لیے بہت بڑے دکھ کی، کھیت کی بات ہے، ان کو ہم بھول نہیں پائیں گے، اور ہم لوگوں کو انہیں بھولنے دیں گے بھی نہیں، چنتا مت کیجیے آپ، ہم ان کو بھولنے دیں گے بھی نہیں۔ ون لاسٹ کوئسچن، ان کے ساتھ میں کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں، گانے کو اسٹوڈیو کا؟ میں نے ان کے ساتھ گانا گا رکھا ہے ایک، یار میں انڈیا چلا، وہ گئے، خیر میں ان کے بچپن، میں بچپن سے ان کا بہت فین رہا ہوں، مجھے فرسٹ ٹائم ملے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ ارے بابا تمہارا میں نے گانا سنا، لگتا ہے ایک دم شارپ محمد عزیز، تو عمر چھوٹی تھی میری، بیکاز آئی ٹو فالو ہیم بہت، تو ان کو پتا تھا کہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، سو مجھے بہت جلد چلے گئے، بڑی دکھ کی بات۔ خیر چلیے، فائنلی سنو سر، کیا ہم آگے چل کے آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ پائیں گے؟ میں دیکھیے، میں نے کبھی اس پہ پلان نہیں کیا تھا، میں ابھی بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے لیے فلمیں بنائی، میں نے نہیں بولا مجھے ہیرو رکھو، لوگ آئے میرے پاس میں نا، اور پھر میرا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا نہیں، تو اس لیے میں ابھی تک میں نے کچھ سوچا نہیں ہے سر، بٹ میں نے ابھی ایک شارٹ فلم کا رکھی ہے، اسپاٹ لیس نام ہے اس کا، اس کی تعریف ہے، کافی اوارڈ جیت رہی ہے وہ کافی فیسٹیولز میں، وہ آپ دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے میں میسج دیتا ہوں، میں آج ہی نہیں، ہاں آج صبح میں 4:30 بجے سے اٹھ کے ریاض کر رہا تھا، کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور میں سوچا تھا کہ میں ٹائم کو ویسٹ کیوں کروں، تو میں نے ریاض شروع کیا، پھر میں میرے بیٹے کو اسکول میں جب اٹھایا تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھ، اتنی عمر کے بعد میں بھی انسان کی جرنی وہ ریاض سے چلتی جا رہی ہے، اور کرنا پڑتا ہے، گانے پہ دھیان دینا پڑتا ہے، کوئی بھی کام کریں آپ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو آپ کے لیے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ آج ریاض کر رہے ہیں تو آگے بھی ریاض کرنا پڑے گا آپ کو، یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ، جتنا محنت کریں گے اتنا اچھا ہوگا، اینڈ آل دا بیسٹ ٹو آل آف یو، اچھا گائیے، اچھا سنیے، اچھا سوچیے، اچھی باتیں کہیے، لوگوں کو جج مت کیجیے گا، اینڈ دیٹس اٹ، آل دا بیسٹ ٹو آل آف یو جی، اور آپ سبھی کو میری اور سے نئے سال کی بہت بہت شبھ کامنائیں، آپ کا نیا سال خوب اتم ہو، خود اچھا، خوب اچھا رہے، آپ اچھی ترقی کریں، سکھ سے رہیں، خوشی خوش رہیں، اور اچھا میوزک سنیں، اچھے میوزک کی سراہنا کریں، وہ بعد میں کریں، بعد میں میں اصل میں میرا پہلا کام ہے ایک، میں ویڈیو شوٹ کراؤں گا 4 تاریخ کو کرنال میں، تو میری نئے سال کی شروعات ایک بہت اچھے ویڈیو سے ہوگی، جو میں ایک فلم کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کا ایک ویڈیو شوٹ ہے کرنال میں، وہ کر رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو آل آف یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو تھینک یو سو مچ تھینک یو